जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी होमगार्ड साथियों को एक मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। और ये देखो, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय मध्य प्रदेश से है, दिनांक 7/11/2026 को यहां पर समस्त डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड मध्य प्रदेश, विषय होमगार्ड सैनिकों को संशोधित दर से मान वेतन भुगतान करने विषय, संदर्भ मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल का आदेश यहाँ पर दिया है। उपयुक्त विषयांतर्गत मुख्यालय के ज्ञापन क्रमांक 2/3/125 वित्त बजट 2023-26 दिनांक 26/3/2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के संदर्भित आदेश की खंडिका 2 में दिए गए निर्देशानुसार दिनांक 1/1/2026 से सातवें वेतनमान में देय आरक्षक के न्यूनतम वेतन रूप 19,500 तथा इस पर देय 50% महंगाई भत्ता राशि रुपये 9,750 को आधार मानकर आरक्षक के न्यूनतम वेतन के समारूप राशि रुपये 29,250 का प्रतिमाह के मान से भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त रैंक वाइज रुपये 6 प्रतिदिन के दौर से प्रतिमाह रुपये 180 की वृद्धि करते हुए निम्न विवरणानुसार प्रतिमाह भुगतान किया जाए। तो यहाँ पर विवरण दिया है, एक नंबर पर दिया है सैनिक वर्तमान में देय और मान वेतन राशि है प्रति दिवस 3 रुपये और प्रतिमाह 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सैनिक को मिलेगा 949 रुपीज़ प्रतिमाह 28,470 रुपीज़ और पुनरीक्षित मान वेतन दिनांक 1/1/2026 से है 975 to 29,250 और लांस नायक का है 955 रुपीज़ प्रति दिवस प्रतिमाह 28,650 रुपीज़ और पुनरीक्षित मान वेतन दिनांक में दिया जाएगा उसको 981 29,430 तो नायक को मिलेगा 961 28,830 रुपीज़ पहले मिलता था, अब मिलेगा 987 रुपीज़ तो 29,610 रुपीज़। हवलदार को भी वैसे ही 967 रुपीज़ 29,010 रुपीज़ था पहले, 990 थी, अब मिलेगा प्रति दिवस और प्रति माह मिलेगा 29,790 रुपीज़ और हवलदार मेजर को मिलेगा 970 थी 29,190, अब मिलेगा 999 29,970 और वही पीसी व सीसी सबको मिला कर ऐसा 30,330 रुपये। तो उपयुक्त पर होने वाले व्यय मांग संख्या 3/2057 अन्य प्रशासनिक सेवा 160 होमगार्ड स्कीम 049 तो आह्वान पर होने वाला व्यय के अधीन 6/31/004 विशेष सेवाओं के लिए मानदेय मद विकलनीय होगा। तो ये साथ ही वित्त विभाग के निर्देशानुसार 1/1/2026 से 30/9/2026 तक के एरिया राशि का भुगतान चार समान किस्तों में क्रमशः माह December 2026 जनवरी फरवरी एवं March 2025 में किया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर अरविंद कुमार महानिदेशक होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीज आप लोगों ने कर दिया, मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया, लेकिन होमगार्ड जवानों को जो है ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को एक में संशोधन की ज़रूरत है। मैं अमित शाह और मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों का जो एक्ट है, एक्ट को जल्द से जल्द संशोधन करके ऑल इंडिया होमगार्ड के लाइफ में थोड़ा बदलाव लाए, यही कहना चाहूंगा। और दोस्तों, आप लोग जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।